आपका सर्वे जो है कॉर्पोरेट घराने के पैसे से चलता होगा, आप जमीन पर नहीं है। आपका सवाल ये बता दिया कि आप सिर्फ एसी का ऑफिस से निकले, कैमरा लिए और चले आए डायरेक्ट बनारस वाले मिश्रा जी से सवाल कर लिए। और जब गरीब गुरबा का परिवार का लड़का जब सड़कों से निकल के सदन तक जाता है ना, तो उसको सड़क ही प्यारा नजर आता है। और मेरा घर, मेरा जज्बात, मेरी ताकत सड़क से बनी है और मैं सड़क कभी छोड़ूंगा नहीं। बाकी 10 तारीख को चुनाव खत्म होगा, 11 तारीख से फिर मजलिस पूरी ताकत के साथ विपक्ष की भूमिका में इसी बनारस के सड़कों से और लखनऊ तक का जो है यात्रा तय करेगा। आ सकता इनका हमला रहा है, ये कॉरपोरेट घराने के लोग रहे हैं और हमारे असद साहब, हमारी मजलिस और मैं खुद इस देश के अंदर मोहब्बत की बात चाहते हैं, शांति चाहते हैं, एकता चाहते हैं। आई लव यू उत्तरी, मैं बेहद प्यार करता हूँ अपने उत्तरी से और आशीर्वाद चाहता हूँ अपने उत्तरी से। हमारा जो लड़ाई है, मजलिस की जो लड़ाई है, वो MP MLA बनने की नहीं है। हम लोग अपने इस देश को बचाना चाहते हैं। आप बताइए कि नोटबंदी से कौन सा फायदा हुआ, कितने लोग नोटबंदी से बहुत अच्छे से उनका खुशहाली आ गया उनके घर में। दूसरी बात आप बताइए, GST से हमारे जितने भी व्यापारी हैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए, GST का कोई फायदा नहीं हुआ। आप देखिए जाकर के CA NRC के नाम पर जिस तरीके से हम लोगों के बीच में बंटवारा और नफरत और हिंसा कराने की कोशिश की गई, उसको आप क्या भूल सकते हैं, हम भूल सकते हैं क्या? अभी भी जनमुद्दे को दरकिनार किया जा सकता है, पार्टी और दल पर बहस किया जाने वाला ये समय है? ऐसा नहीं है। कोरोना काल में तबलीगी जमात के नाम पर इस देश में भीड़ से हिंसा फैलाने की प्रधानमंत्री की कोशिश थी। आप देखिए जाकर के इस किसान आंदोलन में देश में, जिसे इस देश में धरती का दूसरा भगवान अगर कहा जाता है तो किसान कहा जाता है, किसानों को आतंकवादी और गद्दार कहा गया। हमारे देश के नौजवान साथियों ने जिस तरीके से इस बात को सुन करके आंदोलन करने का काम किया, CA NRC और किसान आंदोलन के तहत उनके ऊपर UAPA लगाया गया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया गया। हाथरस में बहन कि जिस तरीके से हत्या करके उसको आधी रात को पेट्रोल डाल के जलाया गया, उसके खिलाफ हम लोगों ने स्मृति ईरानी के उसमें बनारस में आई थी स्मृति ईरानी जी, मुकम्मल जवाब दिया, गाड़ी रोक करके मुंह पे चूड़ियां फेंका और कहा कि जा करके नरेंद्र मोदी को चूड़ी पहना देना, ऐसा प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल है जो अपने बहन बेटी रोटी बेटी और खेती को नहीं बचा सकता। इनका हमला रहा है, ये कॉरपोरेट घराने के लोग रहे हैं और हमारे असद साहब, हमारी मजलिस और मैं खुद इस देश के अंदर मोहब्बत की बात चाहते हैं, शांति चाहते हैं, एकता चाहते हैं और नफरत के खिलाफ ये चुनाव है। जो लोग नफरत के खिलाफ होंगे वो लोग असद साहब के मजलिस और बनारस वाले मिश्रा जी के चुनाव चिन्ह पतंग पर वोट करेंगे। बाकी 10 तारीख को चुनाव खत्म होगा, 11 तारीख से फिर मजलिस पूरी ताकत के साथ विपक्ष की भूमिका में इसी बनारस के सड़कों से और लखनऊ तक का जो है यात्रा तय करेगा। और आप देखिएगा कि अगले 5 साल तक अगर विपक्ष की प्रमुख भूमिका कोई निभाएगा तो असद साहब, असद ओवैसी साहब के नेतृत्व में मजलिस निभाएगी, हम लोग निभाएंगे। हिजाब को लेकर के कर्नाटक से विवाद शुरू हुआ था, उसका इस्तेमाल जो है वो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी हो रहा है, इसको आप कैसे टैकल करिएगा? टैकल क्या करना है, टैकल वैकल नहीं करना है, बहन बेटियों का इज्जत का सवाल। मैं उसे नामर्द समझता हूँ जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिजाब दुपट्टा और घूंघट पर हाथ लगाओगे तो चीर दिए जाओगे। जो करना होगा कर लेना, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करोगे, उनकी इज्जत पर हाथ डालोगे, तुम्हें मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। देश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बादी के कागार पर है और वो बर्बादी का कागार का नजीर किसने पेश किया, अब देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी बाबा सिर्फ और सिर्फ दहशत का माहौल बना करके पुलिसिया तांडव के बल पर जुबान बंद करना चाहते थे, जिसके खिलाफ हम लोग लड़े हैं और लड़ेंगे। और आपको बता देना चाहता हूं कि 7 तारीख को उत्तरी विधानसभा में 6वां बटन इतना तेजी से दबने जा रहा है कि हमारी विचारधाराओं के जो बुलंदियां हैं वो आसमान छुएंगे और विपक्ष का कब्र खुद जाएगा, शमशान जाने वाले। मिश्रा जी, जैसा कि आप आंदोलनकारी नेता रहे हैं और सड़कों पर निरंतर आपके आंदोलन 2014 से चलते रहे हैं,
तो क्या चुनाव के बाद भी आपके नेचर वही आंदोलनकारी रहेगा? क्यों, चुनाव के बाद भी आप आंदोलन करेंगे या लखनऊ का दौरा करते रहेंगे जैसे कि सारे विधायक करते रहते हैं? क्यों, चुनाव लड़ लेने के बाद पर्व आ जाता है क्या आदमी? आंदोलन का नेता हूँ, ये सवाल आपको रविंद्र जायसवाल से करना चाहिए था, ये सवाल आपको अशफाक अहमद डब्लू से करना चाहिए था। ये सवाल मैंने इसीलिए किया कि वो लोग कारपोरेट हैं। हाँ, पहले नेता थे अब कारपोरेट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि वो कारपोरेट कैंडिडेट है। और जब गरीब गुरबा का परिवार का लड़का जब सड़कों से निकल के सदन तक जाता है ना, तो उसको सड़क ही प्यारा नजर आता है। और मेरा घर, मेरा जज्बात, मेरी ताकत सड़क से बनी है और मैं सड़क कभी छोड़ूंगा नहीं। मुकाबला किससे आपका, भाजपा या सपा? मुकाबला मुकाबले में मेरे टक्कर में कोई नहीं है। ये सवाल तो आपको सपा और भाजपा वालों से पूछना चाहिए था कि आपका मुकाबला किससे है। वो लोग तय, वो कह रहे हैं आपको काउंट ही नहीं कर रहे सर। ना, वो मुझे काउंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं सबसे ऊपर हूँ, उनके नजर से ऊपर भी हमारा नंबर आ चुका है, इसलिए उनको दिखाई नहीं दे। छोटी आंख के लोग हैं, छोटी सोच के लोग। ये आत्मविश्वास है या फिर आप ओवर एक्साइटेड हैं? नहीं नहीं, ये आत्मविश्वास है। जनता का आक्रोश, जनता का जो साथ हमको मिल रहा है, उससे ये एहसास हो रहा है कि उत्तरी विधानसभा में बदलाव होने जा रहा है और मजलिस जीतने जा रही है। अब जनता के साथ बता रहे हैं, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं उसमें तो मजलिस कहीं नजर भी नहीं आ रही है। आपका सर्वे जो है कॉरपोरेट घराने के पैसे से चलता होगा, आप जमीन पर नहीं है। आपका सवाल ही ये बता दिया कि आप सिर्फ एसी का ऑफिस से निकले, कैमरा लिए और चले आए डायरेक्ट बनारस वाले मिश्रा जी से सवाल कर लिए, सड़क पर निकलिए, थोड़ा देखिए, तब सवाल पूछिए, मजा आएगा। थोड़ा प्रिपेयर होकर के आया करिए सवाल पूछने, और ये भी समझ लीजिए कि किससे सवाल पूछ रहा है, बनारस वाले मिश्रा जी से, मजलिस के नेता से। मुकम्मल जवाब दूंगा, जरा सा भी लापरवाही बर्दाश्त करने वाला मैं नेता नहीं। मुद्दों पर सवाल पूछिए। ये क्रोध चुनाव लड़ रहा है, बार बार कह रहा हूँ कि 5 साल की जलालत चुनाव लड़ रही है, 5 साल की गाली चुनाव लड़ रही है, 5 साल जो देशद्रोही राष्ट्रद्रोही कहने वाले लोग हैं उसको सुनने के बाद जो जज्बा उत्पन्न होता है, पैदा होता है, वो चुनाव लग रहा है। फालतू सवाल है सपा वालों से। आखिरी सवाल, आप उत्तरी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आई लव यू उत्तरी, मैं बेहद प्यार करता हूँ अपने उत्तरी से और आशीर्वाद चाहता हूँ अपने उत्तरी से। मैं अपने उत्तरी की जनता से दुआ की भी दरख्वास्त करता हूँ और उनसे चाहता हूं कि मुझे आशीर्वाद दें, इस गरीब गुरबे परिवार के बच्चे को सदन तक भेजें, ताकि हमारा जो दर्द, हमारा जो सवाल, हमारा जो नज़रिया है वो सदन के पटल पर रखा जाए और सरकारें मजबूर हों हमारे दर्द और हमारे सवाल को समझने के लिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।